लोक जनशक्ति पार्टी ने अज लाल लखी नूं लैके कीती गई धन्नवादी कानफ्रेंस ते कीता गया पंजाब सरकार दा धन्नवाद। लोक जनशक्ति दे पंजाब प्रधान किरणजीत सिंह गहरी ने बोलदिआं कहा कि पंजाब सरकार वल्लों जो लाल लखीर खत्म करन दा उपराला कीता है असीं इस दा धन्नवाद करदे हां क्योंकि यह बीड़ा साडे वल्लों बहुत चिर पहलां चुक्या गया सी जिस नूं लैके हुण पंजाब सरकार ने लाल लखीर नूं खत्म कर दित्ता। तो उन्होंने मंग की कि इसे तरह बाकोड़ ते शामलट दीआं जमीनां ते वी लोकां नूं मालकी हक दित्ते जाण। इस नूं लैके अज उन्हां वल्लों एक बठिंडा दे अंबेडकर पार्क विखे धन्नवादी कानफ्रेंस रखी गई सी। मैं किरणजीत सिंह गहरी प्रधान लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब प्रदेश। लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछले 13-14 साल तो संघर्ष शुरू किया कि लाल लकीर खत्म करके लोगों घर के मालक बनाया जाए। तो पंजाब सरकार ने पिछले दिन कैबिनेट के विच पास किया कि लाल लकीर खत्म करके हुण लोगों घर के मालक बनाया जाना है। तो अज वर्कर ने जिन्होंने मेहनत की जिन्होंने साढ़े नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के धरने मुजाहरे साइकिल रैलियां मोटरसाइकिल रैलियां भुख हड़ताल कीतियां उन्हां वर्करां दा धन्नवाद करने वास्ते लोक जनशक्ति पार्टी ने वर्करां दी इह कानफ्रेंस अज दी इह बुलाई है जिथे मैं लोक जनशक्ति पार्टी के वर्करां दा धन्नवाद करदा। उथे मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का रेवन्यू मिनिस्टर का भी धन्नवाद करना चाहना और नाल ही मैं इह जरूर कहूंगा पंजाब सरकार नूं किते इह ना होवे कि बादल सरकार की तरह यह ऐलान ऐलान ही रह जाए और जिन्हें भी लोग कोई पुड्डा की जगह के बैठा है कोई बकवोट की जगह के बैठा है कोई पंचायती शामलाट के बैठा है कोई लाल लखीर के अंदर रहिंदे मकान के बैठा है उन्होंने लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट जिथे वो बैठे हैं उन्होंने जगह का उन्होंने मकाना का मालक बना के फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़ियां रजिस्ट्रियां दे कागज देने चाहिए है ता जो वो लोन ले सकन वो जमानत दे सकन। मैं समझना कि खाना बदोसों की जिंदगी तो नजात पा के लोग आजादी का निघ असल आजादी का निघ मान सकन। इस करके अज धन्नवादी कानफ्रेंस असी रखी है बठिंडा दी। जे तुसीं चाहुंदे हो कि हर तरह की खबर तुहाडे तक पहुंचे तो मेरे चैनल सबसक्राइब करो और घंटी नूं ऑल ते करो।